वेलकम टू वर्चुअल बंजारा और मेरा नाम है आशीष वाधवानी। आज हम जा रहे हैं जयपुर के सबसे मशहूर लस्सी वाले के पास, जो कि स्थित है जयपुर के MI रोड के 532 चौराहे पर। इस लस्सी को सिर्फ जयपुर के लोग ही नहीं बल्कि यहाँ आने वाले पर्यटक भी बहुत पसंद करते हैं। वैसे तो यहाँ इस लाइन में 3 लस्सी वाले हैं, लेकिन किशन लाल गोविंद जी यहाँ के सबसे पुराने लस्सी वाले। इनका लस्सी बनाने का प्रोसेस भी बहुत ही ऑथेंटिक है और यही खास बनाती है इनकी लस्सी को। इनकी खासियत है कि ये अपनी लस्सी और छाछ में पानी नहीं मिलाते। तो आइए देखते हैं। तो आज हम आए हैं MI रोड लस्सी वाला जयपुर में, जो कि बहुत फेमस है। और जब आप इस तपती गर्मी में आते हैं ना, तो एक ही चीज़ आपको बहुत रिफ़्रेश कर सकती है, वो है ये लस्सी। तो इनके पास में 2 तरीके की लस्सी होती है, एक मीठी लस्सी और एक छाछ जिसको हम बोलते हैं। बट यहाँ पे जो नमकीन लस्सी होती है उसको भी लस्सी बोला जाता है। तो हमने दोनों लिया है, ये वाला हमने छोटा गिलास लिया है। हालांकि यहाँ पे 2 आपको गिलास मिलते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। तो ये छोटा गिलास है क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं पी पाऊँगा, बट टेस्ट के मामले में दिस इज़ सो गुड और आई थिंक आपको एक बार ज़रूर ये ट्राई करना चाहिए। तो एक खट्टी है यानी कि छाछ है और एक है मीठी लस्सी। तो दोनों मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ ये कैसी है। एक मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसकी जो लेयर है, आप देख सकते हैं ये जो मलाई की लेयर ये डालते हैं ना, तो ये बहुत बहुत थिक लेयर है और इतनी शानदार और इतनी अच्छी लेयर मैंने आज तक पहले किसी छाछ और लस्सी में नहीं देखी। तो लेट्स ट्राई। तो सबसे पहले मैं जो है टेस्ट कर रहा हूँ छाछ, जो नमकीन लस्सी है यहाँ की। टेस्ट छाछ जैसा ही है, लेकिन इसकी जो खासियत है वो ये है कि छाछ में पानी डलता है, बट यहाँ पे ये पानी का यूज़ नहीं करते। ये बिल्कुल जो दही होती है उसी को ग्राइंड करके ये बनाया जाता है, तो इसमें पानी नहीं है। बहुत थिक है, बहुत क्रीमी है और इसके ऊपर की जो ये लेयर है, जो मलाई है, ये भी बहुत थिक है। और मैं आपको एक बार टेस्ट करके बताता हूँ। ये हमने चम्मच ले लिया है, इससे बेहतर लस्सी, इससे बेहतर छाछ मैंने आज तक नहीं पी। तो नमकीन लस्सी हो गई थी, अब मैं आपको मीठी लस्सी के बारे में बताऊंगा। मीठी लस्सी जो है उसका थिकनेस आपने देख ही लिया था, अब मैं टेस्ट बता देता हूँ आपको इसका कैसा है। बहुत ही क्रीमी टेक्सचर, मतलब इससे पहले मैंने इतनी क्रीमी लस्सी तो कहीं नहीं पी है। और शायद यही कारण है कि जयपुर की ये लस्सी वाला बहुत फेमस है और ये 1944 से यहाँ पर है शॉप। और जयपुर में मुझे लगता है कि ऐसा कोई नहीं होगा जिन्होंने अभी तक ये लस्सी ना पी हो। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं जयपुर आने के लिए, तो ये मस्ट विज़िट प्लेस है और यहाँ पर आकर आप लस्सी ज़रूर पिएं, क्योंकि इस तरीके का टेक्सचर। और ये कभी भी अपनी लस्सी में पानी नहीं मिलाते, ठंडी है क्योंकि इसमें बर्फ़ मिलाई जाती है, बट सिर्फ दही और उसको बहुत अच्छे से ग्राइंड किया जाता है और ये लस्सी क्रीमी आपको मिलती है। और इसके ऊपर जो लेयर लगती है, मतलब बहुत ही शानदार। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें।
इनसे बात करने पर पता चला जो इनका ये दही का बड़ा बर्तन है, ये पूरे दिन में 100 बर्तनों की खपत हो जाती है लस्सी के लिए। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जयपुर के लोगों को यहाँ की लस्सी का स्वाद कितना पसंद है। दोस्तों, यहाँ के टाइमिंग्स की बात की जाए तो सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक ये शॉप आपको खुली मिल सकती है। दोस्तों, यहाँ मिलने वाली लस्सी कितनी गाढ़ी और कितनी क्रीमी है आप मेरे ग्लास पे लगी लेयर से समझ सकते हैं।